नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के मास महाराजा कहे जाने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के बारे में। फाइनली अजय देवगन के फैंस को 2024 में काफी बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ चुकी। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि इनकी फिल्म मैदान की रिलीज डेट सामने निकल कर आ चुकी है। तो अगर आप भी सुपरस्टार अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, जानना चाहते हैं कि ये फिल्म कब तक रिलीज होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म मैदान को डायरेक्टर अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया है, जो कि बधाईयों जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुके हैं। और मैदान एक ऐसी फिल्म है जो कि काफी पहले ही बनके कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये फिल्म काफी लंबे समय से पोस्टपोन हो रही थी। दोस्तों, फिल्म का टीजर भी पिछले साल आउट हो चुका था, जिसको कि ऑडियंस की तरफ से काफी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन फाइनली फिल्म की रिलीज डेट सामने निकल कर आ चुकी। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिल्म मैदान को ईद 2024 में रिलीज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिल्म को अप्रैल के महीने में 10 तारीख के दिन रिलीज किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी दिन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सुपरस्टार खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार, इनकी फिल्म BMCM भी आने वाली है। और दोस्तों, ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने होने वाले और दोनों फिल्में एक से बढ़कर एक होने वाली थी। और दोस्तों, फिल्म मैदान का बजट लगभग 50 करोड़ के आसपास होने वाला है, लेकिन फिल्म का कंटेंट काफी दमदार होने वाला है और अजय देवगन की एक्टिंग भी सभी का दिल जीतने वाली है, जिसके चलते दोनों फिल्में एक से बढ़कर एक होने वाली है और दोनों फिल्मों में जबरदस्त क्लैश होने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म मैदान के बारे में, तो ये फिल्म एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो कि एक फुटबॉलर सैयद अब्दुल रहीम की लाइफ पर आधारित होने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, क्या इन दोनों फिल्मों का क्लैश होना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।